सरकारें बदल गईं, सत्ता परिवर्तित हो गई, लेकिन टैब से नहीं हटे रघुवर दास। नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में सरकार बदले करीब 2 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, परंतु विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों को जो टैब उपलब्ध कराया गया उसमें अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ही संबोधन अपलोडेड है। टैब ऑन करते ही सबसे पहले सीएम का संबोधन आता है, परंतु अभी तक विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया है कि टैब में अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ही संबोधन है, न कि नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। बिशनपुर के हेसरा गांव के सरकारी विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका निर्मला कुमारी कहती हैं कि विभाग की ओर से उन्हें नया टैब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से उन्हें पुराना टैब ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ही संबोधन अपलोडेड है। मैं निर्मला कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसरा। हम लोगों को सरकार के द्वारा नया टैब नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग पुराने टैब से ही हाजिरी बनाते हैं। जब नया टैब मिलेगा तो नया टैब से अपना हाजिरी बनाएंगे। बता दें आपको कि करीब 3 से 4 साल पहले विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का संबोधन अपलोड किया गया। टैब ऑन करते ही सबसे पहले सीएम का संबोधन शुरू होता है, जिसमें वे प्रधानमंत्री के द्वारा कैशलेस इंडिया को सफल बनाने की अपील करते हैं। जोहार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैशलेस समाज की अपील की है और इस अपील को सफल करने के लिए झारखंड सरकार ने अपने पदाधिकारी कर्मचारियों को टैबलेट एंड स्मार्टफोन दे रही है। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के जो डिजिटल इंडिया कैशलेस इंडिया को सफल करने के लिए डिजिटल झारखंड कैशलेस झारखंड बनाने में सहयोग। जय हिंद, जय झारखंड। शिक्षकों के बीच अब यह मजाक का विषय बन गया है। उनका कहना है कि झारखंड में सरकारें तो बदल गई हैं, परंतु टैब को ऑन करने पर ऐसा लगता है कि झारखंड में अभी भी पुरानी सरकार ही चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी भी रघुवर दास ही हैं, ना कि हेमंत सोरेन। अगर झारखंड में सरकार बदलने के 2 साल बाद भी विभाग इस कमी को ठीक नहीं कर पाया है, तो साफ तौर पर यह विभाग के गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।